देखिए हम इस समय आ गए हैं ईरानी रोशमनी रोड पर, बीजेपी का एक कार्यक्रम चल रहा है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं उनसे बात करने आए हैं। और बात करने का जो मुद्दा है वो ये है कि बीजेपी रथ यात्रा निकालने वाली है, आप लोगों को जानकारी होगी, सब लोगों को रथ यात्रा निकालने वाली है, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिल रहा है। तो क्यों परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये तो बंगाल का हर साल का ये नाटक है, ऐसा ही होता है। जब हम लोग रथ यात्रा निकलने का सोचे है तो दीदी का तो एकदम नीचा हराम हो जाता है, वो परमिशन नहीं देते। लेकिन हम लोग हाईकोर्ट गए हैं, तो हाईकोर्ट से हम लोग परमिशन का कोशिश कर रहा है। आपको हाईकोर्ट से परमिशन मिलेगा तब आप लोग निकालेंगे, आप ये कह रहे हैं? अगर मिलेगा तो सही है, लेकिन रथ यात्रा निकलेगा वो। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय नवद्वीप से शुरू हो रहा है। और आप लोगों को पहले से मालूम था कि ये रोकेंगे रथ यात्रा आपकी? ये तो रोकने का ही बात है, क्योंकि वो तो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता पे आ रहा है। तो क्या लग रहा है, रथ यात्रा चलेगी तो लहर आ जाएगी, कोई ऐसा लग रहा है? लहर आ जाएगी, ऐसे तो लहर चल रहा है, हवा तो पूरा। अच्छा, आप थोड़ा आगे आइएगा। उनका ये कहना है कि रथ यात्रा से माहौल खराब करेंगे, वो कम्युनल टेंशन होगा, इसलिए हम लोग जो है चाहे नहीं चाहते हैं रथ यात्रा को। नहीं, ये तो अनफन है, बीजेपी का अनफन है, ये अनफन है। और वो अनफन में उन लोग मालूम है जो क्या हो रहा है, तो तृणमूल जाने वाला का बल होरी बोल रहा है, हम लोग का बंगल में होरी बोल। और हम लोग कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और बीजेपी घरे घरे। ये जो मुर्दा उठा है, वो जो नड़ा लगा रहा है, उसमें वो लोग डर गया है। तो रोजाता होने का मासूम हम लोग देख रहे हैं। जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उन लोग परमिशन जो लेने का चांस लिया है, वो नहीं पाएगा। वो बार बार ये कह रहा है कि आप लोग माहौल खराब कर दोगे रथ यात्रा से, इसका क्या जवाब है आपके पास? कोई गारंटी है कि माहौल खराब नहीं होगा? नहीं जी, जो बंगला है वो तो बांग्लादेश बनाने के लिए दीदी कोशिश करता है, और हम लोग चाहता है जो हम लोग पश्चिम बंगला में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मुद्दा था, जो बांग्लादेश से हम लोग को बांग्ला दिया है, वो बांग्ला के हम लोग कोई भी तरीका से हम लोग बांग्लादेश नहीं बनाने। यात्रा का मुद्दा जो है बांग्लादेश तक जा रहा है, बहुत दूर दूर तक जा रहा है। तो एक बात तो है कि ममता दीदी डर गए हैं, उसे मालूम है कि वो अभी खत्म होने वाला। किस बात से डर गई, आपकी रथ यात्रा से या रथ यात्रा से जो असर हो जाएगा उससे डरी हुई? वही रथ यात्रा का जो असर होने वाला है, मतलब वो परमिशन दे या ना दे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग भी निकालेंगे, परमिशन नहीं देंगे तो भी निकालेंगे। आप लोग नड्डा जी आएंगे और हम लोग तो निकालेंगे, अब उनका जोर नहीं चलने वाला है। फिर तो बड़ा हंगामा हो सकता है। होने दीजिए हंगामा, वैसे भी तो 21 में हंगामा चल ही रहा है, वाला ही है हंगामा। एक्चुअली अगर डेमोक्रेसी की कहीं हत्या होती है तो वो पश्चिम बंगाल है। आप देखिए पूरे भारतवर्ष में कहां कहां निर्वाचन हुआ, जहां जहां चुनाव हुआ, कहीं भी एक मतलब चिड़िया नहीं मरता। पर वो लोग ये कह रहे हैं कि जो आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी ना, उस समय जो हंगामा हुआ था वैसा ही फिर हो सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने शब्द मेरे मुंह में ना डालिए। उनके शब्द मेरे शब्द नहीं है। पहली बात है, ये रथ यात्रा है ही नहीं हमारा, ये है गणतंत्र बचाओ यात्रा। आप अपना परसेप्शन से बोल रहे हैं कि रथ यात्रा भारत तो बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्यों भाई साहब, आप कहिए ना मरीज जापी क्या है, आप कहिए ना 1946 में क्या हुआ था, आप कहिए ना 1961 में क्या हुआ था, बंगला में क्या पहले हो रहा है। ममता जी मुसलमान लोग को लेके जो लुंगी बाहिनी कर रहा है, उसमें हिंदू का कोई दबाव नहीं है। इधर भी बात करते हैं, आपको लगता है ये जो बात ये कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान वाला मामला ये भी साथ में आ रहा है? हाँ सही कर रहे हैं, ये भी आ रहा है साथ में, साथ में ये भी आ रहा है। ये जो बंगाल में जो दुर्नीति चल रहे हैं ममता बनर्जी, हाँ ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो लहर आ गया, जो अम्फान आ गया, उसमें डर रहे ममता दीदी, इसलिए सभी रथ यात्रा को रोकवाने के लिए सोच रहे की रोक की रथ यात्रा। जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की, इसी से वो डरी हुई कह रही है कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा ये रथ यात्रा निकले। हाँ यही सोच रहा है दीदी, तो हर चीज में डर रहा है बीजेपी से। हाँ। ये सोच रहा है कि हाँ ये बात उनकी जो है ये सही है, हिंदू मुस्लिम हो सकता है क्या इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं होगा, ये दीदी का छल है, इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाकर। कौन बना रहा है इसको मुद्दा? तृणमूल बना रहा है। दीदी सबसे बड़ी कम्युनल है। आप मेरे को एक बात है कि दीदी बना रही है सर? दीदी बना रही है, ये कोई धार्मिक रथ यात्रा नहीं है, ये एक शांतिपूर्ण रैली है, प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन है सेना के। किसी भी सैनिक ने आज तक ममता बनर्जी ने
उन्होंने दो साल पहले एक मिलिट्री का ऑपरेशन बहुत ही आक्रोश में नजर आ रहे हैं। ये आक्रोश सैनिकदेर को मर्यादा दिच्छेन ना दीदी, जे पुलवामा हत्याकांड जे होलो आमादेर वीर सैनिकमा बांग्लादेश सब बातें इसमें याद आ रही है। बोल रहा है खेल होगा मसाला भेजेंगे, ये खेल किस चीज का? ये कौन बोल रहा है? अनुप्रत मंडल बोल रहा है। बीरभूम वाले जो है, बीरभूम वाले क्या बोल रहे हैं? खेल होगा अब मसाला भेजेंगे रथ यात्रा में। इसके पहले परसों बात हुआ, मदन मित्रा खुले बारूद बम का धमकी दे रहे हैं। तब तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इतनी सारी बातें हो रही हैं तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जाएगा। फिर तो हम लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? लॉ एंड ऑर्डर में तो वो थप्पर मारेंगे, हम लोग रसगुल्ला खिलाएंगे क्या? आप ही सब बोलिए ना, बंगाली जो कल्चर है उनके खिलाफ है ममता दीदी। और हम जो है नॉट ओनली बंगाली कल्चर, हिंदू का जो कल्चर है, हम लोगों का जो रिचुअल्स है, वो रिचुअल्स वगैरह। मुझे लॉ एंड ऑर्डर देखना गवर्नमेंट का काम है, लॉ ऑर्डर क्यों फेल होगा गवर्नमेंट को देखना है। और रथ यात्रा निकलने से लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं होता है। आप बताइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आपकी क्या राय है? देखिए ममता दीदी ने ये पश्चिम बांग्लादेश बना ही दिया। मेजर साहब, अच्छा मेजर साहब जी, पश्चिम बांग्लादेश इसको आप जानते हैं कि मेजर साहब यहाँ पर हैं। पश्चिम बांग्लादेश बना ही दिया इन्होंने, तो हम लोग का जो एक्सरसाइजमेंट सेल है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज आपका प्रोग्राम भी यहाँ पर जी, हम लोग इस बंगाल तस्वीरें दिखाइएगा यहाँ पर, जो जवानों की तस्वीरें में दिखाइए यहाँ पर। हम लोग इस पश्चिम बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल करने के लिए हम लोग आए हैं। हमले बड़े आक्रामक टाइप के हैं, बांग्लादेश पश्चिम बांग्लादेश हो ही गया मैडम। मामले जो हैं बड़े आक्रामक निकल के आ रहे हैं, इसमें बांग्लादेश का मुद्दा भी आ गया। आक्रामक तो होगा ही ना, क्योंकि अभी जो फिलहाल का जो अभी जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए आक्रमण जो कर रहे हैं, तो हम लोग तो बैठे नहीं रह सकते, हम लोगों को भी करना पड़ेगा, है ना? आक्रमण का जवाब आक्रमण से। हाँ, और क्या? शांति व्यवस्था अहिंसा ये सब का क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा, शांति से कुछ नहीं होगा। पुरानी बातें हैं, लोगों ने जितना भी रैली किया है, हर एक रैली में अटैक हुआ है। वो अटैक किसने किया? बीजेपी ने नहीं किया, किया दीदी ने, क्योंकि उनको पता है कि ये रैली सक्सेस होने वाला है। हर एक रैली दो अटैक होता बोलो, हमारे जो दीदी है चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं जखन हमारे वीर शहीद हो जाए सैनिक, তাদের জন্য 2 লক্ষ টাকা দেন। আর পশ্চিম বাংলার যখন পয়সা নেই দে রা যখন আপ বাতাইয়ে দেখিয়ে আপ তো ওয়াকালত সে না ওয়াকিল হ্যায় অ্যাডভোকেট হু কলকাতা আপ মুজে বাতাইয়ে মামলা তো কোর্ট মে হ্যায় ইয়েস দেখিয়ে দিস ইজ দ্য কনস্টিটিউশনাল রাইট টু মেক আ কনভেনশন বাট ইট হ্যাজ বিন কমপ্লিটলি ব্রেক ডাউন law and order in West Bengal because everyone has the right। mamla jab high court mein chala gaya hai to high court jo kahega wahi manega na, of course This is under adjudication। उसका इंतजार कर रहे हैं। Yes, yes, तो देखिए बीजेपी के लोग हैं अपनी बातें कहते हुए, यहाँ पर इनका कार्यक्रम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में इस समय जो रथ यात्रा का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा है और इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, खेल भारतवर्ष, कोलकाता। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।